भिवाड़ी अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ और मैं कल वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकला हुआ था, बट स्ट्राइक की वजह से कल दिखा नहीं पाए। आज भी अर्ली मॉर्निंग आए हैं हम यहाँ पे और सवेरे 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद में वहाँ लाइन में लगे, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से भी हमारा काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है कि डॉक्टर आएंगे नहीं आएंगे क्या है। उसके बाद जैसे तैसे करके लाइन में लगे, नंबर आया तो फिर चेकअप के लिए भेजा, वो चेकअप की रिपोर्ट लेके आए, फिर दोबारा हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। बाकी जो स्टाफ वगैरह के हैं वो बीच बीच में पब्लिक के साइड में करके अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से भी जो आई हुई पब्लिक है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब किसी के कोई सांस की प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर वो बैठ जाता है तो आदमी निकल के चला जाता है, तो इस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। आए हुए पेशेंटों को मतलब साइड में करके और स्टाफ के लोग अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपका क्या नाम है ये बताएं, और ये बताएं जी। मैं ममता शर्मा हूँ, मैं भिवाड़ी से आई हुई हूँ अलवर से, और जब हम यहाँ आए थे सुबह 8 बजे तब से लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ कोई कंफर्म नहीं होता कि डॉक्टर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, स्ट्राइक है, डॉक्टर नहीं आएंगे नहीं देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है लाइन में लगने का। मुझे सांस और खांसी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और इसीलिए मैं इतनी दूर से दिखाने आई हूँ और अभी तक लाइन में लगी हूँ। प्रसादी जी, जिस तरह से डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए हैं, क्या लगता है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है जो चरमरा गई है उसको सरकार जल्दी दुरुस्त कर पाएगी? हम लोग गए हैं, हमने देखा जो वस्तु स्थिति है, कई मरीज हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं जो परेशान हैं, हैरान हैं, जिनको पता नहीं कि कितना समय लगेगा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होने। राइट टू हेल्थ बिल पास होने के बाद और पहले जिस तरह की व्यवस्था थी उसमें कोई सरकारी अस्पतालों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं पहले से, वो भी अब बराबर अपना इलाज कर रहे हैं। फुटफॉल काफ़ी बढ़ गया है सर, जो निजी अस्पताल में जो ओपीडी बंद है, आईपीडी बंद है, इमरजेंसी सर्विसेज बंद है, पेशेंट्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना? नहीं, सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है, प्राइवेट अस्पताल भी आधे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, सारे थोड़ी गए जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। एक हुआ है डॉक्टर स्ट्राइक पर क्यों गए, उनकी सारी बातें हमारी सेलेक्ट कमेटी में बुलाकर उनसे बात की, उनके जो सुझाव थे हमने सारे मान लिए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने अधिकृत कर दिया, चीफ सेक्रेटरी की बात में जो बातें तय हुई वो सबने हमने बिल में सब चीज़ें उनकी समाहित कर दी, सारी 100% उनकी बातें मान ली, और जो सेलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन था उसको पेश करने से पहले सारी कमेटी ने एक मत होकर उसको बिल के रूप में विधानसभा में पेश कर दिया। डॉक्टर ये बता दे हमारी कौन सी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा प्रमुख प्रधान नहीं रखेंगे कमेटी में, स्टेट अथॉरिटी में, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में नहीं रखे हमने। उन्होंने कहा कि हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर रखो, हमने दो दो डॉक्टर रख दिए। कौन सी बात है उनकी, जो किस बात कारण क्या है इस टाइप पर जाने का? मेरी कई कई हड़ताली डॉक्टरों से बात हुई है सर, मेरी कई हड़ताली डॉक्टरों से बात हुई है। पहला ऑब्जेक्शन उनको ये है कि इमरजेंसी जो वर्ड है वो डिफाइन नहीं है। उनका कहना है कि अगर कोई हृदय रोगी भी अगर आ जाता है वहां पर, कोई अन्य पेशेंट भी आ जाता है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो धमकी दे सकता है कि सरकार के पास चला जाऊंगा अगर तुमने मेरा इलाज नहीं किया। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि लोकल पॉलिटिशियंस को कंट्रोल देने के लिए सरकार इस तरह की कार्यवाही कर रही है, इस प्रकार का बिल। देखो मेरी बात सुनो, कि इमरजेंसी का हमने उन्होंने कहा जो रखा है, इमरजेंसी की सारी चीज़ें हमने मूल बिल से हटाकर, उन्होंने कहा सांप के काटने पर और जानवर किसी जहरीले जानवर के काटने पर और एक एक्सीडेंट, तीन चीज़ें उन्होंने कहा, तीनों चीज़ें रखी है, सारी चीज़ें हमने हटा दी इमरजेंसी की। और जो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि वो दूसरी बातें हैं, कौन सी बात है जो नहीं मानी सर? ये जो डॉक्टर अपनी बात से मुकर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जो उनसे तय हुआ वो सारे बिल में हमने कर दिया, पूरी कमेटी ने कर दिया, एक भी बात उनकी ऐसी नहीं जो हमने नहीं मानी हो। उन्होंने कहा 50 बेड का हॉस्पिटल हो, वो भी हमने कह दिया 50 बेड का हम रूल्स में डाल देंगे, एक्ट में नहीं डाल सकते, रूल्स में डाल देंगे, कौन मना कर रहा है? आपने कहा कि जिन अस्पतालों के मालिकों ने मुफ्त में जमीन ली है आज वो इलाज करने से मना कर रहे हैं गरीबों के, जिन सरकार ने, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे दूसरी सरकार रही हो, इनको फ्री लैंड दिया है, उनसे तय किया है कि आप इलाज करेंगे बीपीएल का, असहाय लोगों का, वो इलाज नहीं कर रहे हैं,
वो क्यों नहीं इलाज करते? फ्री लैंड गवर्नमेंट ने दिया, जनता की प्रॉपर्टी दी है और हम जनता के इलाज के लिए करें क्या? एक रुपए में जमीन दी है किसी को, बहुत कम पैसे में जमीन, यूनिवर्सिटी, इनको मेडिकल कॉलेज वगैरह, क्यों नहीं करें इलाज? करना पड़ेगा। राइट टू हेल्थ बिल तो सर इकोनॉमिक बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो सभी के ऊपर लागू है? सबके ऊपर लागू नहीं है, जो हमारे चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं सरकारी अस्पताल उन पर सब पे लागू है, और जो हमारे फ्री लैंड जिनको दिया है पेशेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि कौन गरीब है, कौन बीपीएल है, कौन हमारे 90% परिवार राजस्थान के जुड़े हुए हैं, वो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं, और 10% रह गए हम उनको भी जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये जो हमने कैक्ट बनाया पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है, और जिसका चिरंजीवी में कार्ड भी नहीं है अगर उसके साथ भी कोई इमरजेंसी हो गई तो उसका भी इलाज करना पड़ेगा, कलेक्टर उसका कार्ड ही बनवाएगा, उसका इलाज भी करवाएगा। आपने ये नियम भी लिया है कि जो 50 बेड से उसके ऊपर के अस्पताल है उसी के ऊपर ये लागू होगा? ये हम रूल्स में डालेंगे, उनसे तय हुआ है कि ये चीज तय हुई है, हमने रूल्स में डालने के लिए कह दिया, फिर स्ट्राइक किस बात का? लगता है ये लागू करना आसान होगा सर आप लोगों के? बिल्कुल आसान होगा, जनहित के काम के लिए कोई समझौता नहीं है, जनहित का काम करेंगे, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये कानून देश में लागू हुए तभी तो लोगों को फायदा हुआ। आप मंत्री हैं सर, विभाग के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसको इसमें समाधान निकलना क्या आपका काम नहीं है? क्या आपको नहीं चाहिए कि जो डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं उनसे किसी प्रकार से पूरी जो बात हो रही है समाधान निकाला जाए? जल्दी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हमने कहा हेल्थ सेक्रेटरी को, उनसे बात करें, उनकी कौन सी बात है जो नहीं मानी, स्ट्राइक पे एक बार बात करेंगे, बात नहीं करेंगे फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे, एक बार वो ये बताए कौन सी बात नहीं मानी उनकी। क्या जिस प्रकार से देश में एस्मा लागू हो सकता है यहाँ पे रासुका लागू करेंगे क्या? ऐसी कोई संभावना नहीं, इसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर अपने आप काम पर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने अपील की है और हम और अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, अगर नहीं आने का सवाल ही क्या है, क्या कहकर नहीं आएंगे, सारी बातें उनकी मान ली क्या कहकर नहीं आएंगे? ये उन लोगों को, छोटे डॉक्टरों को पता नहीं होगा कि इन्होंने क्या शर्तें तय की है, जो आईएमए के जो वहाँ पदाधिकारी गए थे हमारे यहाँ आए थे उन्होंने जो कहा जो सारी की है उनकी ड्यूटी है कि उनको वो बताएं कि हमने जो कहा वो सारा सरकार ने माना। विधानसभा के अंदर कहा कि जयपुर के 4 निजी अस्पताल हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो भी है, जो भी अस्पताल है सारे जो रियायती दर वाले, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमको पता है किस तरह की यहाँ होती है। चिरंजीवी का आएगा वहाँ पर, उससे पैसा भी एडवांस ले लेंगे, चिरंजीवी का कार्ड भी। दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों और उनके अटेंडेंट्स की लंबे कतारें बताती है कि किस तरह से निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के स्ट्राइक पर जाने की वजह से चिकित्सा व्यवस्था बुरी तरह से राजस्थान में चरमरा गई है। डॉक्टर्स और सरकार के बीच चल रही तनातनी की वजह से कब तक आम आदमी पिसता रहेगा? आप आगे से पकड़ लो एक जड़, बढ़िया, आप आगे से पकड़ लो।
फाइल नहीं बनी। अच्छा, अभी तक फाइल ही नहीं बनी। कब के आए हुए आप लोग? एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया। मैं डॉक्टर बीपी मीना, इधर इमरजेंसी मेडिसिन में हूँ प्रोफेसर। डॉक्टर मीना, जो स्ट्राइक चल रही है डॉक्टर्स की प्राइवेट अस्पतालों की, क्या उसकी वजह से एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड आ गया है? क्या पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है पहले के मुकाबले? यस, प्राइवेट हॉस्पिटल की स्ट्राइक की वजह से एसएमएस के ऊपर तो वर्कलोड बढ़ा ही है। वैसे रूटीन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, बट हाँ, इसकी वजह से ज़्यादा पेशेंट बढ़े हैं दो दिनों में। एक्चुअली बेड्स मिल नहीं रहे ऐसा नहीं है, एक वार्ड का जो लिमिट है वो हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में है, तो एक पर्टिकुलर वार्ड के अंदर या जिस यूनिट का एडमिशन डे है उसके अंदर अगर सिस्टम में फुल बता देता है तो फिर थोड़ा एडमिशन में प्रॉब्लम होती है। तो हम उसका अल्टरनेट खोज रहे हैं, और जो भी मरीज यहाँ पे आ रहा है उसको वो वापस नहीं जाए, उसको ट्रीटमेंट पूरा मिले, इसका रास्ता निकाल रहे हैं। आज कंपेरेटिवली थोड़ा लो है, यस्टरडे मतलब बहुत बड़ी संख्या में मरीज आए थे, और हो सकता है कि अब मरीज आ जाएं, बट नो डाउट मरीज तो बढ़े हैं। ऐसा पता लगा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे हैं। यस, बिल्कुल पड़ा है सभी पे। जब एक्चुअली जो मैन पावर है जिसमें हमारा रेजिडेंट सबसे बड़ा एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा मैन पावर है जो सबसे ज्यादा नीडेड है हॉस्पिटल के अंदर, और अगर वही काम पे नहीं होगा तो फिर वो व्यवस्थाएं तो थोड़ी बहुत चरमराएगी। प्राइवेट भी अभी बता रहे बंद है, तो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो कहना मुश्किल है, बट नो डाउट पब्लिक के लिए प्रॉब्लम तो है ही। यस 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 यस, ओके, थैंक यू।
ऐसा थोड़ा अगर आप ऊंचे बोलोगे ना तो आपकी आवाज क्लियर आएगी, है ना, जैसे ऐसा। ये बताइए कि आपके पेशेंट को क्या तकलीफ है और यहाँ पर क्या क्या कहा गया आपको, क्या बेड नहीं मिल पा रहा? नहीं, अभी अभी बोल के गए थोड़ी देर बाद में आपको बेड मिल जाएगा। क्या कह रहे थे आपको, क्या मतलब यहाँ पे पेशेंट ज्यादा है उस वजह से पहले बेड नहीं मिल पा रहा? हाँ, पहले यही बोले थे, फिर बाद में डॉक्टर साहब आए ना अभी, वो बोल के गए बेड मिल जाएगा आपको, आप यही रहो अभी ठीक हो जाएंगे। हमें 8 बजे का आए थे हम, 8:30 के बाद। हम खोर से आए, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर से। हाँ, तो इनको ना सांस में परेशानी हो रही है और मतलब किडनी भी खराब है, शुगर बीपी है, ऐसे है। 3 साल से दवाई चल रही है, इनसे ही चल रही है। वहाँ पे नहीं थे डॉक्टर, हम गए थे ओपीडी में, अच्छा। नहीं थे तब इससे यहीं लेके आए अभी। हाँ, निजी अस्पताल में भी गए थे पहले किसी? नहीं, हम एम्स, वहाँ पे एम्स में दिखाते इनको, आंखों में सोजन है, आंखों में मोर दिया, अभी ने कल भी आए थे दिखाने के लिए, एम्स में दिखाते थे। अब इनको तकलीफ है, मेरी स्थिति खराब, इनको नहीं ले जा सकती दिल्ली में, अब हम यहीं रहते हैं तो यहीं दिखाने आई हूँ। हाँ, ऐसे दिक्कत हो रही थोड़ी सी, अभी डॉक्टर साहब बोले हैं कि अभी ना दिखा लेंगे और भर्ती कर लेंगे। हाँ।